स्टूडेंट वेलकम टू एजे एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट आज हम बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जॉइंट स्टॉक कंपनी की जब हम बात करते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जो कि कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत वजूद में आए। कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत कोई कंपनी वजूद में आती है और उसको क्या करती है, रजिस्टर होती है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी पाकिस्तान में जब इस्टेब्लिश होती है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार की तरफ से, और जो है उसको कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 को फॉलो करना पड़ता है, यानी उसके मुताबिक उसको जो है वो अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। उसके मुताबिक क्या होगा कि वो गवर्नमेंट्स की तरफ को अपने ऑथराइज कैपिटल को शो करेगी, यानी कितना उसका कैपिटल है, कितने तक के जो है वो क्या कर सकते हैं, मार्केट में शेयर्स इशू कर सकते हैं। उसके बाद ही फिर गवर्नमेंट की तरफ से उसको इजाज़त मिलती है और वो कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती है। अब हम बात करते हैं जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे पास दो किस्म की आ जाती है, एक पब्लिक लिमिटेड और एक प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड ऐसी कंपनी को कहते हैं जो कि जिसके कम से कम शेयर होल्डर्स 7 होते हैं, यानी 7, और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड हो सकते हैं। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कम से कम शेयर होल्डर्स 2 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 50 तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा उसको इजाज़त नहीं होती। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में सेल नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में सेल करती है और एक कोई भी पर्सन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जॉइंट स्टॉक कंपनी मार्केट से जो है वो स्टॉक मार्केट से जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकता है और कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है। शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा इन्वेस्टमेंट के बदले में, शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड की जब हम बात करते हैं तो जब कंपनी के लिए वो क्या कहलाएगा, डिविडेंड लायबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि कंपनी ने किसको देना है, शेयर होल्डर्स को पे करना है, और शेयर होल्डर्स के लिए वो पैसा जो है वो प्रॉफिट कहलाएगा। तो आमतौर पर ज़्यादातर कंपनीज में आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 6 मंथ कंपनी की तरफ से अलॉट किया जाता है शेयर्स, और वो क्या करते हैं मार्केट में प्रॉफिट अलाउ किया जाता है और वो मार्केट में क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते हैं, यानी डिविडेंड पे करते हैं। अच्छा, ऑथराइज कैपिटल की बात हो रही थी। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, जो कि कंपनी के कैपिटल की को शो कर रहा होता है, यानी कंपनी का टोटल कैपिटल कितना होगा और वो कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख तक के शेयर्स, वो 50 लाख रुपीज़ उनके पास पैसा है तो 50 लाख रुपीज़ तक के शेयर्स मार्केट में सेल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सेल नहीं करते, लेकिन आगे जाके इन्वेस्टमेंट फर्दर इंक्रीज हो सकती है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जो उसको कैपिटल शो कराना है उसको हम क्या कहेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल कहेंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा आज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और बाकी यहाँ फिर हम लोग बात करेंगे फर्दर इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।